मथुरा के छाता तहसील के राजबद सहार नवी में पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जिसके चलते एक भूमि मालिक ने कोलावा नंबर 77 की भूमि को कोलावा नंबर 74 की बारबंदी में शामिल किए जाने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र के गांव राजबद सहार के गांव नवी के रहने वाले जगदीश ने जिलाधिकारी को पानी की समस्या के चलते एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कोलावा नंबर 77 की भूमि को कोलावा नंबर 74 की बारबंदी में शामिल किए जाने के लिए गुहार लगाई है। जगदीश ने हवाला दिया है कि कोलावा नंबर 77 की जमीन पर पानी की कमी की वजह से खेती सही रूप में नहीं हो पाती, इसलिए उनकी मांग है कि उनके चक संख्या 491 गांव नवी को कोलावा नंबर 74 में शामिल किया जाए। हम आए साहब इसलिए कि हमारा राजवा सहार के जो कोलावा नंबर 74 पे और 67 पे जमीन है दोनों पर, और उसकी वारबंदी चल रही है 74 की। हमारे दोनों के बीच में नाली निकली हुई है, हमारे दोनों कोलावों पे जमीन है। कोलावा नंबर 74 से लगभग 300 एकड़ जमीन बिक चुकी है, जिसमें बाउंड्री रह चुकी है, और हम 80 एकड़ जमीन अपनी कोलावा नंबर 77 से 74 में जुड़वाना चाहते हैं, और गत 35 वर्षों से लगभग हमारी उसी से सिंचाई हो रही है। कोलावा नंबर 77 की कोई सरकारी नाली नहीं है, उसे लोग वहाँ कभी तोड़ दें कभी फिर चल जाए, और कोलावा नंबर 74 की और 77 के दोनों बीच में एक नाली है, वो सरकारी नाली है, उससे हमारी भराई सही हो, उसी से हमारी अब तक काम चल रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो एक्सचेंज साहब हमारी इसमें फीस जमा हो है। तो वो फीस जमा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमने प्रार्थना पत्र दियो, उन्होंने उसकी जांच कराई, जांच में कर्मचारी ने पत्रांक 65 पे मतलब रिपोर्ट भेजी, और वो हमें गुमराह करके 2 साल से यही तरीका दिखा रहे हैं।